हेलो, वेलकम टू ब्रेक। इस लेक्चर में हम देखेंगे एंड्रो एंडर। ठीक है, इसका जिस वर्ड के साथ एंड्रो आ जाएगा वहाँ पे आपका रिलेटेड होगा मैन या मेल से। ठीक है, आदमी से रिलेटेड होगा। तो हम इस पे वर्ड्स देखते हैं। द फर्स्ट वर्ड इज एंड्रोजेन। यहाँ पे देखिए एंड्रो दैट्स मीन्स मेल यानी आदमी। ओके, देखिए जेन, जेन रूट वर्ड से आपका जनरेशन से, जनरेशन से जनरेट से। ठीक है, जनरेट जो है उत्पन्न करना, उत्पन्न करना। एंड मेल मीन्स आदमी, आपको पता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एंड्रोजेन मतलब एक तो हो गया आपका मेल एंड्रो से, एंड जेन फॉर जनरेट। ठीक है, जहाँ से इंसानों की उत्पत्ति हो, मतलब इसका मीनिंग है अ हार्मोन दैट जनरेट मेल कैरेक्टरिस्टिक। ओके, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक होता है टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, तो जिसकी वजह से मेल कैरेक्टरिस्टिक इंसानों में आता है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए फिगर में ये एज, जैसे जैसे एज बढ़ता है उसी तरीके से ये जो हार्मोन्स है वो डिक्लाइन होता रहता है। ठीक है, ये फिगर पे मत जाइए। ठीक है, एंड्रोजेन क्या हो गया, एंड्रो मीन्स हो गया इंसान आदमी मेल, एंड जेन फॉर जनरेट। ठीक है, जिसकी जिससे इंसानों की उत्पत्ति हो, तो ऐसा क्या ए हार्मोन्स That generate a male characteristic is called androgen. The next word है आपका androgynous. ठीक है, androgynous. Andro means होता है आपका आदमी यानी male. ठीक है, gyn means क्या होता है आपका woman. गाइन्स रूट वर्ड्स मीन्स होता है आपका फीमेल। ठीक है, औरत। ठीक है, और ओ यू एस जो इसमें लग जाता है वो आपका एडजेक्टिव गाइनस। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि देखिए इसका इस फिगर में आप देखिए इसमें क्या होता है, फिगर में देखिए इसमें क्या मेल एंड फीमेल कैरेक्टरिस्टिक दोनों है। ठीक है, तो एंड्रोगाइनस मीन्स क्या होता है, ऐसा इंसान या ऐसी औरत जिसमें दोनों तरह की क्वालिटी हो, इंसानों के भी औरत को। तो इसमें क्या हो जाएगा, हैविंग बोथ मेल एंड फीमेल कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, तो एंड्रोगाइनस मीन्स क्या होता है, जिसमें इंसान और औरत दोनों के गुण हो उसे बोलते हैं एंड्रोगाइनस। ओके, द नेक्स्ट वर्ड इज एंड्रॉयड। अब मैं एंड्रॉयड मोबाइल चलाते हैं तो उसे पता होगा। देखिए एंड्रो, एंड्रो मीन्स होता है आपका मेल। ठीक है, और देखिए ऑयड, ऑयड क्या हो जाता है, ओ आई डी ऑयड मिस हो जाता है रिजिमेबल्स। ठीक है, रीअसेंबल से रिलेटेड करेंगे इसे। ठीक है, मतलब किसी चीज को दोबारा से मिलाना जुलाना या एक जैसा दिखना। ठीक है, इसका मतलब होता है सदृश होना। ठीक है, तो एंड्रॉयड मीन्स क्या होता है कि एक इंसान जैसा दिखने वाला। एंड्रॉयड मीन्स ये फिगर में आप देख रहे हो। ठीक है, ये बेसिकली ये यूज किया जाता है रोबोट्स में। ठीक है, ऐसा रोबोट्स जो इंसानों जैसा दिखे उसे बोलते हैं एंड्रॉयड। ठीक है, एंड्रॉयड तो इसका हिंदी लिख देंगे आप, आदमी जैसा दिखने वाला। ठीक है, उसे बोलते हैं एंड्रॉयड। ठीक, इसका अगर सिनोनिम्स अगर हम देखें
आपका रोबोट हो जाएगा, ओके, रोबोट हो जाएगा ह्यूमनॉइड, ह्यूमनॉइड, ठीक है। तो ये इसका सिनोनिम्स है। द नेक्स्ट वर्ड इज एंड्रोफोबिया, ठीक है। देखिए एंड्रोफोबिया क्या होता है, एंड्रो मीन्स होता है आपका मैन, यानी आदमी, ठीक है। एंड फोबिया जिसमें लग जाए उससे रिलेटेड होता है फियर, रिलेटेड टू फियर, फियर यानी डर, ठीक है। तो ऐसे औरत जिसे इंसानों से डर लगे उसे बोलते हैं एंड्रोफोबिया, उसे बोलते हैं एंड्रोफोबिया। तो आप कह सकते हैं इसे अबनॉर्मल फियर ऑफ मेल्स, अबनॉर्मल फियर ऑफ मेल, मतलब जिसे इंसानों से डर लगे, जिसे इंसान कह रहे, जिसे आदमी से डर लगे, उसे बोलते हैं एंड्रोफोबिया या पुरुषों का डर, आप बोल सकते हैं, ठीक है, या पुरुषों का डर, उसे बोलते हैं एंड्रोफोबिया। द नेक्स्ट वर्ड इज मिसेंड्री। देखिए मिसेंड्री मीन्स क्या होता है, इसमें दो रूट वर्ड्स है, फर्स्ट है आपका मिस, तो मिस मीन्स होता है आपका टू हेट, टू हेट, टू हेट, मिस मीन्स होता है आपका हेट, यानी घृणा करना, किसी से नफरत करना या घृणा करना, ठीक है। और एंड मीन्स क्या होता है आपका मेल, क्या होता है मेल यानी आदमी, ठीक है। और वाई आपका लास्ट में लग जा रहा है तो ये आपका बनाएगा नाउन, तो क्या हो गया मिस एंड्री, यानी ऐसी औरत या ऐसे लोग जिसे आदमी से नफरत हो तो उसे बोलते हैं मिस एंड्री, ठीक है। तो हो गया आपका आदमी से घृणा करने वाला, ठीक है। तो ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं, मिस एंड्री, ठीक है, या इस हिंदी इंग्लिश में बोलोगे तो हेटर्ड ऑफ मैन, हेटर्ड ऑफ मैन, ठीक है। तो मिस एंड्री, मिस मीन्स होता है आपका टू हेट यानी घृणा करना, और एंड मीन्स हो गया आपका एंड्रो से रिलेटेड, दैट इज मेल, यानी ऐसे औरत या ऐसे लोग जो आदमी से घृणा करे उसे बोलते हैं आप मिस एंड्री। द नेक्स्ट वर्ड इज मोनेंड्री, मोनेंड्री, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, देखिए मोनेंड्री क्या होता है, मोन ये आपका रिलेटेड है मोनो से, मोनो दैट मीन्स वन, ठीक है, और एंडर, एंडर यानी मेल, ओके। तो यहाँ पे देखिए एक आदमी, तो ये वाई से रिलेटेड हो जाता है आपका नाउन, ठीक है, ठीक है, यानी एक आदमी, ठीक है। तो ऐसे क्या होता है कि हैविंग ई मोनेंड्री होता है, मोनेंड्री कि ऐसी औरत जिसके सिर्फ एक पति हो, ठीक है, तो उसे मोनेंड्री कहते हैं। तो यहाँ पे लिखोगे आप हैविंग वन हस्बैंड एट ए टाइम, ठीक है, एक समय में सिर्फ एक ही उसके हस्बैंड हो, ऐसे औरत को मोनेंड्री कहते हैं, ओके। फिलेंडर मीन्स क्या होता है, देखिए फिलेंडर मीन्स क्या होता है,
फिल मीन्स आपका होता है लव, ठीक है, लव यानी प्यार, ठीक है, और एंडर मीन्स क्या होता है आपका, मेल, ठीक है। तो फिलेंडर मीन्स क्या होता है कि एक ऐसा आदमी जिसका एक समय पे एक से ज्यादा अफेयर्स हो, मतलब एक से ज्यादा औरतों के साथ उसका मतलब विवाह हो या अफेयर्स हो, ठीक है, संबंध हो, तो इस तरीके के लोग को फिलेंडर बोलते हैं, ठीक है। फिगर में आप देख रहे हैं बहुत सारी वुमेन्स है, ठीक है, एक आदमी है, तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे, टू हैविंग अ रिलेशन, टू हैव अ रिलेशन, रिलेशनशिप, रिलेशनशिप विथ मेनी वुमेन्स, विथ मेनी वुमेन, ठीक है, टू हैव अ रिलेशनशिप विथ मेनी वुमेन, तो ऐसा आदमी जिसका एक समय पे एक से ज्यादा औरतों के साथ संबंध हो उसे बोलते हैं फिलेंडर, ठीक है, फिलेंडर। इसके अगर सिनोनिम्स अगर आप देखोगे, ठीक है, तो आपका हो जाएगा फ्लर्ट, ठीक है, उमनाइज, उमनाइज, ठीक है। फिलेंडर का अगर आप हिंदी देखेंगे तो अय्याशी करना, ठीक है, मौज मस्ती करना, इस तरीके से लिख लीजिए, अय्याशी करना, ओके, फिलेंडर मीन्स होता है। द नेक्स्ट वर्ड इज फिलेंडर, ठीक है। तो इसमें देखिए फिलेंडर आपने पढ़ा कि अय्याशी करने वाला, फिलेंडर मीन्स अय्याशी करने वाला, आप फिलेंडर मीन्स होता है कि अय्याशी करना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फिल, फिल मीन्स हो गया आपका लव, ठीक है, एंड एंडर मीन्स हो गया आपका मेल, ई आर से हो गया आपका डूअर, डूअर यानी करने वाला, ठीक है। तो क्या हो गया कि ऐसा पर्सन, ठीक है, जो एक समय में एक से ज्यादा रिलेशनशिप में रहे उसे कहते हैं फिलेंडरर, ठीक है, फिलेंडरर, ठीक, अ पर्सन, अ पर्सन हु हैज मेनी, हु हैज मेनी रिलेशनशिप, रिलेशनशिप, ठीक है। तो क्या होगा, अब इसका सिनोनिम्स अगर आप देखोगे, ठीक है, तो प्ले बॉय, प्ले बॉय, ओके, कैशनोवा, एक नया वर्ड है, CASA, कैशा नोवा, ठीक है, एंड ओमनाइजर, ओमनाइजर, ओके। तो यहाँ पे देखिए अय्याशी करने वाला, वो इसका फिलेंडर मीन्स क्या हो गया, अय्याशी करने, अय्याशी करने वाला, ओके। द नेक्स्ट वर्ड इज फिलेंड, पॉलीएंड्री, पॉलीएंड्री मीन्स क्या होता है, देखिए पॉली मीन्स होता है आपका मेनी, MANY, मेनी यानी बहुत, ओके। एंडर मीन्स क्या होता है आपका, मेल यानी आदमी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि बहुत से आदमी यानी एक ऐसी औरत जिसके एक समय में एक से ज्यादा पति हो, तो इस औरत को, ऐसी औरत को पॉलीएंड्री बोलते हैं, ठीक है। हिंदी में अगर आप कहोगे तो बहुपति हो सकते हैं, बहुपति, पतित्व, ठीक है, बहुपतित्व, ठीक है। तो आप इसे बोलोगे अ वुमेन, अ वुमेन दैट
हैव मोर देन वन हस्बैंड, ठीक है, एक और ऐसी औरत जिसका एक समय में एक से ज्यादा पति हो, तो ऐसी औरत को क्या बोलोगे आप? पॉली एंडर एंड्री। ओके ओके, हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा एनी पे, एनी रूट वर्ड पे। आई होप आपको पसंद आया होगा ये वीडियो।